अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुमीर अली और आप देख रहे हैं वर्ल्ड की डिफेक्ट चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबाएं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज ओपनर से मुतालिक अहम तफसीलात सामने आ गई। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज के लिए कौमी टीम की मुमकिन बैटिंग ऑर्डर की तफसीलात सामने आ गई। ऑकलैंड में ट्रेनिंग सेशन के दौरान जारे मिजाज ओपनर साई मयूब और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने नई गेंद के साथ प्रैक्टिस की, जिससे तासुल मिल रहा है कि सीरीज के दौरान दोनों क्रिकेटर्स ही बैटिंग का आगाज करेंगे। दोस्तों इससे कबल साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 फॉर्मेट में इनिंग का आगाज कर रहे थे। प्रैक्टिस सेशन के दौरान पाकिस्तानी बॉलर्स कप्तान चाइना अफरीदी, हारिस रऊफ, सलमान खान ने मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब को नई गेंद से बॉलिंग करवाई, जबकि बाबर आजम को स्पिन के खिलाफ बैटिंग करते हुए देखा गया। केविस के खिलाफ मुमकिन तौर पर बैटिंग ऑर्डर में रिजवान और साइम को ओपनिंग जोड़ी के तौर पर शामिल किया जाएगा, जबकि बाबर आजम और फखर तीसरी और चौथी पोजीशन संभालेंगे। इसी तरह आजम खान बैटिंग ऑर्डर में 5वें नंबर पर होंगे, जबकि इफ्तिखार अहमद 6ठे नंबर पर फायर पावर फराहम करेंगे। तमाम हालात के मुताबिक इफ्तिखार और आजम की पोजीशन को तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ के बाद साबिक टीम डायरेक्टर मिक्की आर्थर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB से राहत जुदा कर लेंगे। जरा के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साबिक टीम डायरेक्टर मिक्की आर्थर के दरमियान मामला कुछ असरूबी से तय पा गए और वो भी जल्द ऐलान करके PCB से राहत जुदा कर लेंगे। वाज़ेह है कि बॉलिंग कोच मोर्नी मोकर पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।